जय बोले जी राजू, उठ गया राजे। टाइम हो रहा क्या? टाइम हो रहा जी सवा आठ तक लड़के कह रहे थे रात निकल जाएंगे यात्रा करते, और अभी भी जबरदस्ती उठे एक दूसरे को धक्के देंगे। ये सुन रहे तुम आवाज? मन बदल गया था ये आवाज सुन के। वैसे हेलीकॉप्टर पे जाएंगे, तो वही चाय भी ठंडी होगी। चाय सुबह 7 बजे मंगा ली थी, देखो अब दोबारे अंकल को आवाज मार रहे, कुछ लेके आएंगे चाय गरम कराएंगे। चलो नहा धो के मिलते हैं, फिर यात्रा लंबी आज की। जय भोलेनाथ। राजू हो गया तैयार, नाश्ता करके तुरंत निकलेंगे बाबा केदार के पास। ये देखो मकड़ी का जाला। अरर महादेव। हाँ भाई अभिमन्यु। अरर महादेव। हाँ जय बोलेगी। नाश्ता करते निकल रहे हैं, फिर आगे मिलेंगे सीधा यात्रा पे, और पूरा आनंद लेना यात्रा का, आज कोई दिक्कत नहीं है, डे टू है। जय जय बोलेगी। गाड़ी लगा दी पार्किंग में, वो पीछे पार्किंग है, निकल गए हैं भोले अब यात्रा पे। अब जा रहे हैं, पहले टैक्सी लेंगे गौरीकुंड तक। गौरीकुंड में तो हैं हम, शायद सोनप्रयाग में हम। सोनप्रयाग ये पीछे पार्किंग में लगाई गाड़ी टॉप फ्लोर पे, और अब गौरीकुंड तक अपना टैक्सी लेंगे, और फिर वहाँ से पैदल शुरू हो जाती है यात्रा। तो भोले थकान बहुत ज़्यादा होने वाली है, लेकिन लेके भोले का नाम करते चलो अपना काम। ये देख लो भाई, थोड़ा बहुत सोनप्रयाग का बाजार है। मैगी मूगी खानी हो तो, मक्कड़ तो खाने नहीं देता मैं मैगी। बैठ गया मक्कड़ टैक्सी में, वहाँ भले ही घूमे ऑल्टी मर्सिडीज में, यहाँ मैक्स पिकअप में है, ये भी है दो आज देसी पिकअप में, मजा आ रही है इसमें, तो अलग ही आनंद है। तो भाई सोनप्रयाग से निकल गए हैं, जा रहे हैं गौरीकुंड, वहाँ से पैदल यात्रा शुरू है। ये देखो इस तरह से यहाँ टैक्सियाँ मिलती हैं पुल पार करके, और इनमें सबको बैठना पड़ता है, 50 रुपये सवारी है। और फिलहाल हमारी बारी है, और बाकी भाई मैंने तो एक पूरी चीज़ छोड़ दी, बाकी इसके बारे में ऊपर चल के बात करेंगे दरबार में। जय जय। ये माननी रहा, इसे भी समझा रही थी भरजाई कि छोड़ आओ कुछ, तो उसे कह रहा तुम्हें छोड़ देते इससे बढ़िया क्या रहेगा। आ गया आप समझदार हो ना, थोड़ा क्या पूरी आगे कर देंगे, हमने खुद अपने नाम करानी है, 2 मिनट का रास्ता है। भैया कौन सी पैक जी? भैया के आनंद जी आ गए, लग गए कि भाई साहब हम भी बना लेंगे साथी, हमें पता तो लगेगा। आपको बना दिया हमने साथी, कहने से पहले बना दिया, हम भी इसे लेके अपना साथी बना लेंगे। लो लो बिल्कुल लो, आप आ गए इसमें फिलहाल। बोलिए संजय जी, अब आनंद जी आ गए, आनंद आने लगे, सारे आ गए बहन जो गिल्लो अपने आपको। ये टैक्सी का अनुभव बताओ अपना, कैसा रहा इस पे? कैसा लग रहा आपको भाई जी? मैं कह रहा हूं जय बाबा की, वो शंकर भगवान की जय। जय बाबा केदार, जय बाबा केदार, वीर बजरंगे, जय बाबा केदार ने अपने चरणों में बुला लिया, मौज ही मौज है। बोलेगी मौज, करेगी मौज। टैक्सी ने भी थोड़ी पीछे छोड़ दिया था भाई, पहुंच गए हैं बिल्कुल जहां से यात्रा शुरू होती है बाबा केदारनाथ की। जय जय शिव शंकर शंभो भोलेनाथ तुम्हारे, बोल शंकर भगवान की। भीमबली पहुंच गए भाई, कितना टाइम हो गया हमें चले? 2.25 घंटे। 2.25 घंटे में हम करीब 6 किलोमीटर आ गए हैं, पावर कहीं से बाहर से ये लेके चल ले बैग। मैंने रख दिया भाई बैग अपना घोड़े पे, मगा जी ऊपर हमारी NDRF की टीम है, तो अपने जो मिशन केदारनाथ के इंस्पेक्टर साहब है उन्हें पकड़ा दिया, मक्कड़ ने अपने आप करवा दिया सिस्टम। बाकी थोड़ा नजारा देख लो तुम, ये तो शुरुआत है, नजारा तो आगे आएगा अभी। तो भाई बोलो होले होले ऊपर न बोलो,
मजा आ रहा भाई। थकान बहुत हो रही थो? थकान यार वो बैग से ने मारा मुझे, मुझे बैग बड़ी बिल्कुल पसंद नहीं गई भी ट्रैक पे। कहने को तो तुम दो साल पहले पूरे चढ़ गए थे। हाँ पूरे आज भी पूरा चढ़ जाऊंगा। आज तो क्या थकान सी हो रखी है तुम्हें? अब हो जाऊंगा ठीक यार अभी। वो शुरू शुरू में थोड़ा भार तो रहता ही है हर चीज का। हम पहली बार जा रहे थे, असल में परेशानी भी उसे ही मिले जिसे बड़ा प्यार ज्यादा करे। ये बात कर दी राजे तूने, गलत तो नहीं कह रहा। ये सब थकान दूर हो जाएगी जब बेस कैंप पार कर दी, मंदिर दिखना शुरू होगा ना। और कुछ थकान नहीं हो रही थी, मैंने कैमरा भी नहीं निकाला था अब तक। ये भी हो सके है नहीं, कैमरा निकलते मेरी थकान हट गई आधी होली। तो भाई अब हम बैठेंगे चल के रामबाड़ा, सांस चढ़ जा बोलते बोलते। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। रास्ता भी लंबा है। इस आदमी ने दो दिन से चिढ़ा रखा था, मैगी खाते हो, ये करते हो तभी फिट नहीं रहते हो, ये देखो क्या खा रहा है। ऑप्शन यही है पीछे, ऑप्शन बते रहे थे। अरे पीछे रुका तो नहीं तू? हाँ कोई बात नहीं, मैगी मैगी मैगी। तो भाई रामबाड़ा पे रुके हुए हमने, मेरे ख्याल से लंबा स्टॉप यही मारा सीधा नीचे के बाद। और एक एक दो दो मिनट के तो बीच में लगते ही रहते हैं भाई, हम भी कोई हुसैन बोल्ट नहीं है। मक्कड़ कह रहा था घोड़ा करा देता हूँ तुझे, मैंने कहा यार इतना भी खत्म नहीं हुआ अभी राजा, मैं कहा बैग बैग रख देता हूँ बाकी तो मैं कर ही लूँगा टैकल। क्यों भाई अभी मन में उसके बाद फर्क पड़ा भी है क्या बैग रखने के बाद? चल नहीं रहा मैं तब तो तू हिम्मत आ गया मैं छोड़ गया मेरे चला ही नहीं जाता बैग ले गया यार मैं कहीं चढ़ाई देख ली। भाई रामबाड़ा से चल के हम पहुंचे छोटी लिंचोली, अब बड़ी लिंचोली आने वाली और इसके बाद हम जाएंगे नंदी कैंप में, हमारी व्यवस्था करी हुई है भाई साहब हो रहे हैं वहाँ। और थकान बहुत होगी, हमने मारा शॉर्टकट अभी 2 किलोमीटर का बेहतरीन वाला, सांस होगी फुल तेज। मक्कड़ ने पता नहीं कौन सी ठंडी गोली खाई भी माननी ना, फिर 2 मिनट में कह रहे चलो चलो हमारी लगी पड़ी यहाँ पर। कोई नहीं जाना तो भाई क्यों भाई, लोग बाबू भोले के पास तैयार हो ना सब, दिक्कत तो नहीं आ रही भाई, बोले बोले करते जाओ और चलते जाओ। हमारे साथ भोले बाबा है तो हमें दिक्कत नहीं। ये बात सिर पे भोले का आदत है, चिंता की क्या बात है। चले भाई भोले, चलो चलो वो आ गया, चलो भाई भोले चलते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ठंड होगी भाई यहाँ तो, इसलिए पढ़ने पुढ़ने बांध लिए भैया माथे पे। भाई ने एक बार क्या बता दिया, रास्ते पे शॉर्टकट है तो ये मान ही नहीं रहे, एक रोनाल्डो हो रहा दूसरा मेस्सी, ये देखो कैसे रास्ते पे चल रहे भाई। ओ भाई मकड़ी के जाले इधर आ, वो बनाने में लग रहा बताओ रिले, अभी भी रह रहा भाई 4 किलोमीटर, आना तो है ही, जाना पड़ेगा शमशान। आजा भाई महाकाल बुला रहा। भाई राजमा चावल खा लिए, खाए भी और खिंडाए भी, ये देख लो वो अंधेरे में दिख नहीं रहे, अभिमन्यु ने भी खिंडा रखे। अरे ये देखो होटल का नाम देखो, चंद्र लोक शुद्ध भोजनालय, अपने सहारनपुर का मशहूर। उसके बाद थोड़ी थोड़ी चाय और मीठी मीठी हो रही स्नोफॉल, फुहार सी आवे भाई बार बार, और हो सके रात को बढ़िया स्नोफॉल हो जा। जड्डा लग रहा ढेर, गोड्डे गए टूट बिल्कुल। और यहाँ लिए क्या बोल रहे इसका, बेस कैंप के अलावे रह गया 3-1 किलोमीटर बस, और फिर देखो बस भोले का जलवा। उसके बाद दर्शन तो अब कल ही होंगे क्योंकि यहाँ से 2 घंटे लगे कम से कम जाने में, वैसे आसान लगे 2 किलोमीटर है 3 किलोमीटर है, लेकिन ये जो किलोमीटर है अलग ही दिखे। हर हर महादेव भाई, पहुंच गए हैं बाबा केदारनाथ जी के धाम। और धन्यवाद बहुत बहुत हमारे भाई बंधु NDRF के जवान, हमारे ही क्षेत्र के लोग मिल गए, बैग हमने वहाँ पहुँचवा दिया था क्योंकि बैग उठाने की हिम्मत नहीं थी,
और वो देखो पहले आप सामने मंदिर देख लो एक बारी। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। तो अभी जा रहे हैं भाई, बैग आ गया अपना, होटल में जाने लग रहे भाई। बंधु मिल गए, भगवानपुर के हैं, सहारनपुर के हैं, यहीं ड्यूटी चलती है उनकी उत्तराखंड पुलिस की तरफ से। तो अंदर जाते हैं, अपना कमरा लेते हैं भाई। ठंड बहुत हो रही, बेहतरीन ठंड हो रही भाई। आज की यात्रा और ब्लॉग दोनों को बाबा श्री केदारनाथ जी के साथ संपन्न करेंगे। तो अभी आप कुछ ही क्षणों में देखने जा रहे हैं बाबा श्री केदारनाथ जी का धाम, उनका मंदिर। और बाहर बैठे नंदी जी, यदि जीवन में आपको धैर्य सीखना है तो वो सिर्फ और सिर्फ नंदी जी से सीखिए। इनका तप, ये कहते हैं कि भोलेनाथ बाहर जरूर आएंगे, इनकी कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ धैर्य करके बैठे रहते हैं। जय हो मेरे नंदी महाराज की। ये केदार बाबा का मुख्य द्वार, मंदिर के अंदर भी दर्शन कराएंगे, प्रभु कृपा रहे। भोलेनाथ आप सब पर कृपा करें और आप सभी पे भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, आप भी भोलेनाथ की सेवा में लगे रहें। और ये मक्कड़ जी हमारे थोड़े से इंजर्ड तो नहीं कहूँगा, लेकिन मसल पेन से थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं। ठंड हो रही, -6। हाँ, क्या बात है, मतलब हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा है, मलने मुझे भी पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि मक्कड़ी मल रहा है, मतलब मैंने एक हाथ मैंने इसलिए जेब में रखा हुआ। आ जा भाई, पवित्र धाम से, भोलेनाथ के चरणों से, और इस व्लॉग को करता हूँ मैं अभी यहीं एंड। और हर हर महादेव। आप सभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जो कि आप करते नहीं हो, लेकिन यही आप सभी से निवेदन कि आप सब करें, क्योंकि हम हर तरह का कंटेंट, हर प्रकार का कंटेंट डालते रहेंगे। आपको आनंद आएगा तो मुझे भी आनंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सीताराम। हर हर महादेव।